बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना के लक्षण वाले हर व्यक्ति को निगरानी समिति के माध्यम से मेडिसिन किट्स उपलब्ध कराया जाए। शासन द्वारा हर जनपदों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। मेडिसिन किट्स जिन्हें उपलब्ध कराया जाए उसका सत्यापन भी अवश्य हो। उन्होंने कहा कि जनपद कुशीनगर, देवरिया एवं महाराजगंज में मेडिसिन किट्स वितरण में गति लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कोविड 19 प्रबंधन से संबंधित तथा जेईएएस संबंधी मंडलीय बैठक में गोरखपुर के अलावा मंडल के अन्य 3 जनपदों की वर्चुअल समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईसीसीसी में लैंडलाइन कनेक्शन पर्याप्त होने चाहिए, इसकी कमी किसी भी जिले में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों को जितना जल्दी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उसके बेहतर परिणाम परिलक्षित होंगे। हर एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस की 75% सेवाएं कोविड कार्यों में लगाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर सर्वे करके हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट्स उपलब्ध कराने तथा एक अभियान के तहत टेस्टिंग कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी सीएससी, पीएससी, ईटीसी क्रियाशील हो तथा एक सप्ताह के अंदर सभी सीएससी, पीएससी, सब सेंटर आदि की रंगाई, पुताई, कनेक्टिविटी, मेंटेनेंस आदि कार्यों को करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल इंसेफेलाइटिस प्रभावी मंडल है और इस बीमारी से निपटने हेतु अभी से तैयारियां पूर्ण कर ली जाए तथा एक एक सीएससी, पीएससी को सभी जनप्रतिनिधि गोद लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में 50 से 100 बेडेड पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित कर वहां सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और सब मरीज वहां से पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करें तब डिस्चार्ज किया जाए। उन्होंने ब्लैक फंगस वार्ड बनाने तथा वहां दवाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए संभावित तृतीय वेव की तैयारी अभी से कर लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। इस कार्य के लिए उन्होंने एक नोडल अधिकारी भी नामित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई हर जनपद में होनी है और वैक्सीनेशन वेस्टेज को रोकना है। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा कवच है। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कॉल सेंटर बनाए जाएं और हर सेंटर पर वेटिंग हॉल भी बनाए जाएं। उन्होंने मैन पावर बढ़ाने के साथ ही उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी को इस कार्य में रुचि लेकर कार्य करना होगा। एक एक वैक्सीन काफी उपयोगी है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने ईटीसी पीकू, मिनी पीकू को क्रियाशील करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन आदि की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाए और अंतर विभागीय समितियां प्रभावी रूप से कार्य करें। थोड़ी सी लापरवाही भयावह हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विलांस जितना बेहतर होगा उसके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जब सेंटर पर कॉमन मैन से बात करें तो संवेदनशील व्यवहार के साथ संवेदनशील दिखें और कोविड मरीजों के तीमारदार को भोजन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि जून माह से वितरित होने वाले खाद्यान्न पूरी पारदर्शिता के साथ वितरित हो और उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को भी दी जाए। हर संदिग्ध व्यक्ति की एंटीजन एवं आरटीपीसीआर जांच की जाए तथा प्रत्येक जनपद में महिलाओं, बच्चों के लिए एक अस्पताल अवश्य संचालित रहे जहाँ उनका इलाज हो सके। बैठक में सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, फतेह बहादुर सिंह, संत प्रसाद, संगीता यादव, विपिन सिंह, शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सूचना संजय प्रसाद, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मित्रों, 15 दिन पूर्व
से मैंने गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कोरोना महामारी से संबंधित समीक्षा बैठक ली थी। इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। पूरे देश के अंदर इस महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है, उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पॉजिटिविटी निरंतर कम हुई है और रिकवरी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की रिकवरी आज 94% से अधिक है और प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी ये 3% के आसपास अभी बनी है। टेस्ट एंड ट्रीट का जो मंत्र फर्स्ट वेव के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, उत्तर प्रदेश ने उसको अक्सर सपालन करते हुए टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 3 लाख से लेकर 3.25 लाख तक टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। 4,70,00,000 से अधिक टेस्ट हम अब तक संपन्न कर चुके हैं। गोरखपुर मंडल ने भी टेस्ट की क्षमता को अपनी बढ़ाया है। यहां पर भी पॉजिटिविटी रेट काफी कम हुई है और स्टेट लेवल के स्तर पर इनकी रिकवरी रेट भी 93% के आसपास चल रही है। इस संबंध में जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, इसके बारे में आज चारों मंडल इस मंडल के चारों जनपदों से हमने यहां पर बैठक करके उनकी प्रोग्रेस को देखा है। कोविड के साथ साथ कोविड से बचाव के लिए अभी जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, फर्स्ट वेव की तुलना में अगर हम सेकेंड वेव को देखेंगे तो सेकेंड वेव में कुछ हमें अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पोस्ट कोविड केयर का। हर जनपद को पोस्ट केयर वार्ड हर जनपद में बनाने के लिए हर जनपद में पहले से तैयारी चल रही है और बहुत सारे जनपदों ने अपने यहां पोस्ट कोविड केयर के रूप में जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें कोरोना हुआ था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है लेकिन उन्हें अभी भी कोई समस्या है, तो उनका सफलतापूर्वक उपचार की कार्रवाई उन जनपदों में प्रारंभ भी हुई है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हम वर्तमान में सेकेंड फेज का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए थर्ड वेव के बारे में भी जो एक आशंका व्यक्त की गई है, उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का पीको के निर्माण की कार्रवाई। इसके अलावा जितने भी अन्य जनपद हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां 25 से 30 बेड्स का पीको के निर्माण की कार्रवाई के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। इंसेफ्लाइटिस की तर्ज पर जो मॉडल हम लोगों ने यहां पर अपनाया था, जिसका परिणाम विगत 3 वर्षों के अंदर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2-2, 3-3 CHCs में मिनी पीको के निर्माण के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर बनाए गए। उसी तर्ज पर हम लोगों ने थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए, वह चाहे इंसेफ्लाइटिस का हो और चाहे वह कोविड से जुड़ा हुआ हो, अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के रूप में उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये अभियान हरेक जनपद में, चाहे वह मैन पावर के रिक्रूटमेंट का हो, उनके प्रशिक्षण का हो, ये सभी कार्यक्रम इसके साथ ही एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालयों को
वहां पर लाभार्थियों के द्वारा निरंतर उपयोग करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का कार्यक्रम हो, ये सभी अभियान हैं जो इंसेफ्लाइटिस के इस क्षेत्र में मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने में जिसके कारण हमें सफलता प्राप्त हुई। हम कोरोना के थर्ड वेव के लिए भी इन दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1 जून से हम लोग 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में प्रारंभ करेंगे। उसमें भी हमने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं। यद्यपि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल रहा है, अकेले अब तक गोरखपुर जनपद में ही 18 से 44 वर्ष की उम्र के 75,000 से अधिक युवाओं को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा चुकी है, लेकिन 1 जून से बाकी अन्य जनपदों में भी यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसके साथ हर जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ के नाम पर 12 वर्ष की उम्र से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भी हम क्रमिक रूप से वैक्सीन देने का काम करेंगे। उन बस्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस प्रकार की बीमारी ज्यादा अटैक कर सकती है, उनको पहले से सुरक्षा कवच देने की कार्य उन सभी जनपदों के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। फर्स्ट वेव की तुलना में हम देखेंगे सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत तेज हुई थी, बहुत तेज डिमांड बहुत तेज हुई। पहली बार आपने देखा होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए। हर जनपद आने वाले समय में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, इस दृष्टि से एक राज्य सरकार ने अभियान प्रारंभ किया है और इस जनपद में भी अगर हम देखेंगे तो काफी इनसे यहां पर हम लोग 25 इस मंडल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ किए हैं, जिससे आने वाले समय में हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और किसी भी हॉस्पिटल को किसी भी विपत्ति के समय ऑक्सीजन के लिए किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। इस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर लिया गया है और हमने हर जनपद से कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करें, जो नोडल अधिकारी ऑक्सीजन के ऑक्सीजन प्लांट के सिविल वर्क के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट को समय सीमा के अंदर स्थापित करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। एक बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। न केवल हम लोग कोरोना के सेकेंड वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए इसको पूरी तरह समाप्त करेंगे, बल्कि थर्ड वेव के लिए भी हम लोग अभी से अपनी तैयारी के माध्यम से हर एक व्यक्ति के हर एक बच्चे के जीवन को बचाने का कार्य करेंगे। इंसेफ्लाइटिस के लिए भी अभी से हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। यद्यपि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जेई वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारा पूर्व में ही संपन्न हो चुका है, लगभग 92% लोगों को हमने वैक्सीन इससे पहले ही जेई वैक्सीन हम उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में जो भी अन्य हमारे अभियान चल रहे हैं ये सभी अभियान पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।